आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। ये जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है और सबसे ज्यादा बच्चों की अपब्रिंगिंग को लेकर परेशान करने वाली है। राजस्थान का ये केस सामने आया है, राजस्थान के उदयपुर में, जहां पर कमलेश नाम के एक शख्स को पकड़ा गया है। बहुत ज्यादा उम्र इस लड़के की नहीं है, लेकिन आप समझिए कि इसने जो कारनामा कर दिखाया है, जो इसने हरकत की है, वो सोचकर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 29 मार्च की ये घटना है। 29 मार्च को कमलेश नाम के इस लड़के ने 8 साल की एक बच्ची का रेप किया। 8 साल की बच्ची जो कि घर से बाहर अपने खेत की तरफ जा रही थी, और ये जो लड़का है ये अपने घर पर अकेला था। उसके माता पिता बाहर मजदूरी करने के लिए गए थे। बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर कमजोर ये परिवार है। हालांकि जब लड़का अकेला था तो अपने मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देख रहा था, और पुलिस पूछताछ में ही उसने बताया कि एक नहीं, दो नहीं, 30 बार उसने करीब ये पॉर्न वीडियो देखा। पॉर्न वीडियो बैठा हुआ खिड़की पर देख रहा था, बच्ची वहां से गुजर रही थी, उसने बच्ची को आवाज लगाई। बच्ची चूंकि मासूम थी, 8 साल की थी, वो उस लड़के के बुलाने पर घर में चली गई। घर में ले जाने के बाद उसने टॉयलेट में ले जाकर इस बच्ची के साथ रेप किया। जब बच्ची चिल्लाने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। कपड़ा ठूसने के बाद चूंकि उसे सांस नहीं आ रही थी, और अब ये जो लड़का था उसके साथ हैवानियत करता रहा, और ऐसे में ही उसका गला दबाया गया, जिससे कि लड़की की जान चली गई। इस लड़के ने हैवानियत को यही खत्म नहीं किया, बल्कि उस लड़की के साथ, यानी कि 8 साल की मासूम के साथ रेप किया, उसकी हत्या कर दी, फिर चाकू और पत्थर के जरिए उस लड़की के शरीर के, यानी कि जब वो मर चुकी थी, उसके शरीर के 10 टुकड़े किए और पॉलिथिन में भर के उसने छिपा दिया। लड़के के घर वाले जब घर पर आए तो उसने उससे किसी ने इस घटना के बारे में पूछा नहीं, और उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि बच्ची को लेकर उसके परिवार वाले भी अभी इतने परेशान नहीं थे, इस अनहोनी का अंदेशा उनमें था नहीं। लेकिन जैसे जैसे बच्ची को गायब हुए वक्त हुआ, बच्ची के परिवार वाले पहुंच गए पुलिस के पास, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। आप समझिए कि इस लड़के ने इतना शातिराना तरीके से उस बच्ची के साथ रेप करके, हत्या करके, उसे 10 टुकड़े करके उसे फेंकने की कोशिश भी की, और इस पूरे कृत्य में लड़के के माँ बाप ने उसका साथ दिया। लड़के का बाप ये देखता रहा कि आसपास कोई आ तो नहीं रहा है। पास ही बड़े एक तालाब था जहां पर उस बच्ची के शरीर के हिस्सों को फेंका गया, और माँ वहां खड़ी होकर देखती रही कि कोई आसपास से गुजर तो नहीं रहा। इस पूरे अपराध में उसके माता पिता उसके साथ में रहे, अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में, बजाय कि ये सोचने के उसने दूसरी बच्ची के साथ क्या किया है, दूसरे की बेटी के साथ क्या किया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और स्निफर डॉग के जरिए इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। लेकिन आप समझिए कि लड़का कितना ज्यादा शातिर था। जब उसने लड़की की हत्या की, उसी रात पास के मंदिर में कीर्तन हो रहा था, और उसी कीर्तन में ये लड़का पहुंचता है और डांस करता हुआ नजर आता है। चश्मदीद बताते हैं कि उस रात तो मंदिर में पहुंचा था, रात 1 बजे तक डांस कर रहा था। ये सिर्फ इतना नहीं, जब पुलिस की टीम जगह जगह उस बच्ची को ढूंढ रही थी तो ये लड़का साथ साथ जा रहा था, ढूंढवा रहा था लड़की को, ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन स्निफर डॉग ने इस पूरी घटना का सच सामने लाकर रख दिया। जैसे ही बच्ची की डेड बॉडी मिली, स्निफर डॉग ने सूंघने की ताकत के साथ ये पहचान लिया कि लड़का ही इस मामले में दोषी है। उसके घर तक पहुंचना, फिर उससे पूछताछ करना, उसे हिरासत में लेना, और पूरा सच जब कड़ाई से पूछताछ की तो सामने आ चुका है। फिलहाल लड़का, लड़के के माँ बाप तीनों को ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस केस को आगे तफ्तीश किया जा रहा है, और जो आसपास रिश्तेदार भी है ना इस लड़के के, या परिवार वालों के, या फिर जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो कह रहे हैं कम से कम फांसी होनी चाहिए इस लड़के को, इससे कम कुछ भी ना हो। और अगर रिश्तेदार कह रहे हैं, अगर हमें मालूम होता इस लड़के के इस घिनौने कृत्य के बारे में, तो हम शायद खुद ही इसे मार देते, बजाय कि पुलिस को इसकी सूचना देने के। ये खबर मैंने इसलिए साझा की है आपके साथ क्योंकि बहुत ज्यादा उम्र का ये लड़का नहीं है, और जिस तरह से इसने 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की, उसे जान से मार डाला, उसके शरीर के टुकड़े कर डाले, बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत है माँ बाप को ये देखने की कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, उसकी संगत क्या है, उसकी सोच क्या है, ये सब कुछ जिम्मेदारी होती है माता पिता को जानने की और समझने की, ताकि इस तरह की घटनाएं होने से रोका जा सके। इस घटना को सुनकर, इस खबर को सुनकर आपके मन में क्या एहसास हुआ बताइएगा।